छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रभु राम सबके हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं और छत्तीसगढ़ में अयोध्या ही की तरह उत्साह होगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 5,000 कलाकार विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश में लगभग सभी जगह दीपावली की तरह माहौल होगा। साथ ही ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ सरकार 20,000 लोगों को हर साल अयोध्या लेकर जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बात करें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख को हो रही है, सर छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से ही वहां पर 22 तारीख को शराबबंदी की बात कर दी थी, अब छुट्टी की भी बात हो गई है, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिये, प्रभु राम लला छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, कौशल प्रदेश है। प्रभु राम के वन गमन मार्ग का बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ से गुजरता है और पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में भांजों का पैर धोते हैं, क्योंकि ऐसी कथा है कि छत्तीसगढ़ के भांजे प्रभु राम हैं, तो हर भांजे को राम माना जाता है। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि अयोध्या जैसा वातावरण है, 5,000 रामायण मंडलियां गांव गांव में, हर मंदिरों में, हर ब्लॉक में, हर जिले में भजन करेंगी। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने उनको स्पॉन्सर किया है। हाँ सर, अगर हम बात करें सर, जब हमें चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहां पर आपकी सरकार ने वादा किया था, जब आपकी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो रामलला के दर्शन करवाने ले जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ है? हमने योजना बना ली, कार्य योजना बन गई, कैबिनेट से पास हो गई। 20,000 दर्शनार्थियों को हम प्रतिवर्ष ले जाने का हमने निर्णय कर लिया है। हाँ सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब हम देखे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस हो, वो कह रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जो है वो हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? रामायण की ही चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। तो मुझे लगता है कि जो प्रभु राम को नहीं मानने वाले लोग हैं उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और कांकेर के पखांजू नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये नगर पंचायत बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड के बाद से सुर्खियों में था। क्या असीम राय हत्याकांड से नगर पंचायत में वोटिंग का कलेक्शन रहा? इस रिपोर्ट में देखिए। कांकेर के पखांजूर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। पार्षद कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। जब वोटिंग हुई तो 15 में से 11 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और पखांजूर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिर गई। विश्वास प्रस्ताव आज नगर पंचायत पखांजूर के सभी पार्षदों के द्वारा लाया गया है। अब नेक्स्ट में चुनाव कब होगा ये डिसाइड करके तारीख बताएंगे, और तारीख जब बताएंगे तो हमारे जितने पार्षदगण हैं सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होगा। नगर पंचायत पखांजूर में 15 वार्ड हैं, जिसमें भाजपा के 9 पार्षद और कांग्रेस के 6 पार्षद जीत कर आए थे। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी, लेकिन बीजेपी के 2 पार्षद वार्ड क्रमांक 2 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पार्षद विकास कुमार पाल और वार्ड क्रमांक 4 शीतला माता वार्ड की पार्षद माया रानी सरकार बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में चले गए, जिसके बाद कांग्रेस के बप्पा गांगुली अध्यक्ष बने और माया रानी सरकार उपाध्यक्ष बन गयी। हमारे पास तो 11 लोग, तो 11 के 11 सभी अपने पक्ष में पड़ा है। नाम तो कई लोगों का आ सकता है, लेकिन वो तय करेंगे आपस में बैठ के। इस बीच कांग्रेस के पार्षद जो अध्यक्ष से नाराज चल रहे थे, उन्होंने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन प्रशासन को सौंपा। इसके बाद से लगातार उठापटक चलती रही और असीम राय को भारी पड़ता देख उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल पर लगा और फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। राजनांदगांव में पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जहां डंडे से पीट पीट कर चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई। पुरानी रंजिश में मंडई मेले में
चाकूबाजी हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बसंतपुर थाना क्षेत्र के भर्रे गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक नाबालिग समेत राकेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। राकेश, क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर जानकारी? हाँ जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि गांव में अभी मंडई मेले का दौर चल रहा है। इस दौरान गांव में मंडई मेले का आयोजन हो रहा था और इस आयोजन के दौरान यहाँ जो शहर के जो लड़के हैं, पास के ही गांव में मंडई मेला लगा हुआ था, वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान इनकी कुछ पुरानी रंजिश भी थी, जिसके बाद ये एक दूसरे को सामना हुआ। इस दौरान ये आपस में इनका विवाद हुआ। पहले तो बहस हुई एक दूसरे के बीच, उसके बाद जो युवक थे, जो आरोपी थे, उन्होंने चाकू और डंडे से उस युवक पर हमला कर दिया और लगातार उस पर चाकू और डंडे से हमला होने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन हालांकि पुलिस और लोगों की मदद से युवक को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। कार्रवाई क्या हो रही है? आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभी भी जांच में जुटी है कि शायद कुछ और लोग जो है वो उनका नाम इस मामले में जुड़ सकता है। अभी भी पुलिस जांच में जुटी है। ठीक है, अपना साथ बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर में बेकाबू कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 साल के एक मासूम भी शामिल है। वहीं हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।